मेरा बेटा होंडा कंपनी में जॉब करता था, मेरा बच्चा काम पे से आते हुए इसको बुखार से गिटने किया मेरे बच्चे को, और इसे इतना तशद्दुद करके मारा, इतना मारा है, उसके बाद इसको इतना तशद्दुद करके मेरे बच्चे को मारा। 2 से 2.5 घंटा मेरा बेटा रोड पे पड़ा रहा, मेरा बच्चा इतनी देर में पड़ा रहा और मुझे पता नहीं चला। मैंने एफआईआर भी कटाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब यूं ही घूम रहे आजाद, कोई पकड़ने वाला नहीं है उनको, मेरी आंखों के सामने घूम रहे वो लोग। काम की नहीं है, किसी ने एक दफा आके ये नहीं पूछा किस घर में एक कमाने वाला था उसके घर का क्या हाल है, ऐसे पता नहीं कितने लोग यहाँ मरते होंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को देखने वाला नहीं है। मेरा बेटा पूरे घर पे, पूरा घर मेरा चलाता था, मेरे शोहर को फालिज काटे हुए थे, मेरे बेटे ने इनको काम पर से बिठा दिया था कि अब्बू आप बैठ जाओ, मैं हूँ आपके लिए, जरूरत नहीं आपको कमाने की। मेरा बेटा पूरा घर चलाता था, मेरी 5 बेटियाँ हैं और एक मेरा अब छोटा बेटा है 8 साल का, मेरा तो घर का कल संभालने वाला कोई नहीं है। इन जालिमों ने ये नहीं सोचा कि किसको मार रहे, कैसे मार रहे, क्यों मार रहे, मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे शोर अभी भी काम नहीं करते, अभी भी काम नहीं इनके पास, डॉक्टर ने मना किया है 7 हफ्ते से इनको काम किया नहीं है। कटीपाड़ी है, बनारस है, सब वो रोज़ का ही मामूल है। सन 86 में मेरा भाई शहीद हुआ और ग्रेनेड फेंका गया था बराबर से, मकसद पूरा घर तबाह हो गया था वो 86 में। आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? मेरी भाई 12-13 साल थी, अभी मैं 2 बच्चे का बाप हूँ। आपके भाई ने आपके सामने जान दी? हाँ, बराबर में बैठे हुए थे, एक बैग ग्रेनेड आया घर के अंदर और पूरा घर ब्लास्ट हो गया था। तो कितने आपके घर वाले हैं? मैं 5 बहने हैं और 3 भाई हैं, अभी 2 भाई हैं, एक मैं हूँ एक बड़ा। वो जो भाई शहीद हुआ उसकी उम्र क्या थी? वो मुझसे 2-3 साल बड़ा था, 3 साल मुझसे बड़ा था। आगे और आपने जमा भी कर लिया और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा लम्हा फिक्रिया है इस मुल्क का और इस कौम का, इस पाकिस्तानी कौम का, वो ये है कि आज इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद, आज हजारों लोगों के शोदा की पार्टी होने के बावजूद, आज भी टीवी खोलो तो सातों कोस दूर बैठकर कोई बहुत बड़ा फिलोसफर जो है वो यही फिलोसफी बगार रहा होता है कि ये जी ये तो चंद लोगों का टोला है, ये बदमाशों का टोला है, ये फलां है, ये फलां है, ये हर दूसरा आदमी जो है वो यही बात कर रहा होता है। पाकिस्तान के लोगों को ये वाकयात ना याद है, ना वो इसे याद करना और देखना काफी तो पता भी नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, ये देख के मुझे सिर्फ ये समझाएं कि MQM को ये क्यों कहा जाता है कि ये बोरीबंद लाशें देते हैं? इसलिए कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास ताकत है, अगर वो ये प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे या वो सच्चाई जाने देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। देखें आज एक कॉन्ट्रोवर्शियल केस में आप देखते हैं कि उस लड़के की मूवी बनती है मारते हुए,
और वो डीजी रेंजर्स को और सुप्रीम कोर्ट उस पर 100 मोटो एक्शन लेती है, डीजी रेंजर्स को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ता है, लोगों की पेशियां हो रही हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आंखों पे पट्टियां बांध करके उनके अपने प्यारों के सामने से उनको लेकर गए और अगले दिन जो है वो उनको खड़ा करके लाइन में उनको जो है वो मार दिया गया। मेरा दामाद का मर्डर हुआ 94 में, दुकान पे बैठे हुए थे, कारकुन थे, उनको आके मार दिया था। फिर उसके बाद में एक साल के बाद में उसके भाई को 4 नंबर के स्कूल ग्राउंड में मारा और बोरी में लाश करके इरम बेकरी के पास डाल दी। फिर 97 मेरे भतीजा नूर आलम खानों की पर्चियां दे रहा था, उसको 4 नंबर पे मारा के वालों ने। 3 गया मेरी बच्ची जो बेवा है, 3 साल से एक्सीडेंट हो गया, घर पे माजूर पड़ गई, ना चल सकती ना फिर सकती। इन लोगों ने बहुत साथ दिया और अब तक देते चले आ रहे हैं। 6 महीने हॉस्पिटल में दाखिल रही, 6 ऑपरेशन हो गए, लेकिन वो बिल्कुल पैर से माजूर। बाप उनका 3 साल से माजूर पड़ा, ना हमारे घर में और कोई है। उसके 2 बच्चे अब हैं, एक ने मैट्रिक के पेपर दिए और एक जो है वो जिना कॉलेज में वो पढ़ रहा है, उसके बेवा के 2 बच्चे, दोनों बेटे। तो हमारा मसला अब हम जाहिर बात है हमारे पास है वो, ना उसका घर है ना बाहर, एक देवर था वो उसको भी मार दिया था भाई को। 2 ही मेरे दामाद, 2 ही भाई थे ये, और वो इस काबिल नहीं थी कि वो यहाँ आ सके। आप इनके साथ हैं कि अलग हैं? नहीं, हम साथ हैं सब। आप भी अलग हैं? हम सब अलग हैं, वो अलग। मेरी बच्ची माजूर है, चल नहीं सकती है बिल्कुल भी, पैर बिल्कुल बेकार हो गए, 3 साल हो गए वो पड़ी हुई घर में, ना चलना ना फिरना। और बाप है, बाप भी माजूर पड़े 3 साल से। इन लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत अल्लाह ताला इन लोगों को सरसब्ज रखे और अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारा साथ नहीं छोड़ा है। हमारे इलाके के बच्चे जितने भी हैं, कारकुन जो भी हैं, सब जाते हैं, सब खैर खबर रखते हैं, लेकिन बस ये हम इस मजबूरी में हैं कि हमारी बच्ची बिल्कुल पैर से बेकार हो गई है और उसके बच्चे हैं जेर तालीम हैं दोनों। असलम शहीद की वालदा हूँ मैं, और 3 नंबर में रहती हूँ, डिग रोड कॉलोनी रेता प्लाट। और सन 86 में वो ख़त्म हुआ है, सुबह जो हुई तो वो नहर मुँह था, सिर्फ उसने मुँह धोया था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे सब लड़के भाग, तो उसको गोलियाँ लग गई, उसकी आखिरी सुबह थी और 15 तारीख थी, पीर का रोज था, और 19 साल का जवान, और बोरन कर्फ्यू लग गया था, और फिर वो रात को उसका जनाजा आया था, इतने लोग थे, इतने सब थे, अल्ताफ हुसैन आए थे, वो मेरा हाथ पकड़े है, कह रहे थे कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अम्मा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अम्मा असलम तो इस दुनिया में नहीं है, चला गया है। आज तक मैं कमबख्त जिंदा हूँ, कब्रों में चक्कर लगाती हूँ, मैं 3 बेटे मेरे खत्म हो गए, असलम तो मेरा शहीद हो गया, और मैं कब्रों के चक्कर मार रही हूँ, हफ्ते में 2-3 दफा जाती हूँ, और मैं नहीं मरती। मैं यहाँ पर आवाज देना चाहता हूँ पाकिस्तान की सो कॉल्ड मीडिया को, जिससे आपका भी ताल्लुक है, और ऐसे आप जैसे लोग अभी 2% हैं इस मीडिया में, जो वो उनकी दिल की बात होती है वो दिखाना और बताना चाहते हैं, लेकिन जो उनको सूट नहीं करती बात उसको वो बताना या दिखाना नहीं चाहते। खुदा की कसम, इतना खून अगर कहीं और बहता और इसको प्रॉपर इसकी प्रोपेगेशन होती और लोगों को दिखाया जाता तो पता नहीं कितने इनकलाब आ चुके होते और कितने मुल्क तबाह बर्बाद हो चुके होते और कितनी नस्लें इससे फायदा। अफसोस हमें सिर्फ यह होता है कि हमें इतनी कुर्बानी देने के बावजूद आज भी हमारी कुर्बानियों की रिकग्निशन नहीं है, आज भी हमारी कुर्बानियों को गलत सिमत में, जो मुझे बताएं हम बैठकर यहां कराची में ये देखते हैं कि यहां पर देखें, सबसे पहली बात यह कि कराची के रहने वाला हर रहने वाला
हमारा मोहसन है, हमारा भाई है, चाहे वो पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, किसी रंग नजर से ताल्लुक रखने वाला इंसान अगर यहां पे रहता है वो हमारा भाई है। और ये मेरी बात नहीं है, ये अल्ताफ भाई की तरबियत है। आज हमारी पार्टी में तमाम जुबानों के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी तवस्सुस से मैं ये बताना चाहूं यहां पर कि अगर कोई यहां पर दो पख्तून मर जाए, और जब यहां पर जो वो भी हमारा ही नुकसान है, इसलिए इस कराची में मरता है पख्तून तो वो हमारा नुकसान है। हम अगर मारने वाले होते तो हम, जब हमारे पास पावर होती तो हम लोगों को मार रहे होते। जब हमारे पास जब पावर थी 2002 से लेकर 2008 तक, हमारा वजीर दाखला था, हमारा नाजिम था, हमारा गवर्नर था, मिनिस्टर था, एक वाकया बता दें कि किसी की कोई टारगेट किलिंग हुई हो। लेकिन ये टारगेट किलिंग आज जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब भी ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं, वजह यह है कि आज दो पख्तूनों को यहां मारकर, पंजाबियों को मारकर, बलोचों को मारकर जब आप लाशें भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरहद असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में मारे जाने वाले पख्तूनों के लिए करारदाद मुजम्मत जो है वो पेश की जाती है और वहां पर डिबेट होती है। दो बलोच मारे जाते हैं कराची में, बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद मुजम्मत पेश होती है और वहां पर डिबेट होती है। दो पंजाबी मारे जाते हैं, पंजाब असेंबली में करारदाद मुजम्मत पेश होती है और वहां पर असेंबली में डिबेट होती है। ये 15,500 अपने शोधा को लेकर इनके खून को कहां जाकर मैं करारदाद पेश करूं, कौन सी असेंबली में मैं करारदाद पेश करूं जाके, जहां पर मैं इन लोगों को लेकर जा सकूं। किसी पाकिस्तान के अदलिया ने, किसी पाकिस्तान की अदलिया ने, किसी पाकिस्तान की असेंबली में इतनी जुर्रत हुई आज तक कि इनमें से एक भी मासूम आदमी के लवाकिन से मिलकर जाकर अपनी असेंबली में बात करें और इनके लिए भी अफसोस करें? आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में, आज तक नहीं हुआ। दो लोग मारे जाते हैं, डाकू मारे जाते हैं, असेंबलियों में करारदादें पेश होती हैं, मैं किधर लेकर जाऊं इन 15,000 लोगों की करारदाद, हमारी करारदाद, हम इन लाशों को कहां लेकर जाएं? दो लाशें कफन पैक करके आप इधर भेजते हो, उधर भेजते हो, ये एक डिजाइन पॉलिसी है, ये एक डिजाइन पॉलिसी है। पाकिस्तान में जागीरदार, वडेरा, सरमायादार, ये 2% तबके जिनकी अपनी निजी जेलें हैं, जिनकी अपनी जमीनें हैं, अपने हारियों को कैद करके रखते हैं, वो पाकिस्तान की आइंदा 60 नस्लों तक, आइंदा 7 नस्लों तक वो हुक्मरान रहना चाहते हैं। इसलिए वो हमारे लोगों को, इन मासूम लोगों को, क्या बात की हमारी बहन ने, 86 में तो एमक्यूएम नहीं थी, 2 साल की थी एमक्यूएम सिर्फ, एमक्यूएम को कोई नहीं जानता था 1986 में, फिर इन मासूम के घरों, मासूम लोगों के घरों में कस्बा अलीगढ़ में हमला क्यों हुआ? 6 घंटे तक कोई पुलिस नहीं थी कराची की, कोई रेंजर्स नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, एक एक घर में जाकर 350 लोगों को मारकर जिंदा जलाया गया। औरतें शामिल है, बच्चे शामिल है, बुजुर्ग शामिल है, जवान शामिल है, 6.5 घंटे तक किसी ने वहां पे कोई नजर नहीं उठाई। पक्का किला ऑपरेशन करते हैं, मेरी माए बहने सर पे कुरान शरीफ लेकर निकलती हैं, क्यों निकलती हैं रोड पे पक्का किला में, के भाई 6 दिन से उनके घरों का पानी बंद कर रखा है, 6 दिन से उनकी गैस बंद कर रखी है, 6 दिनों से उनको घर से नहीं निकलने दे रहे। इसी पाकिस्तान की सो कॉल जमहूरी हुकूमत के दौर में 88 में वो औरतें अपने बच्चों को लेकर कुरान शरीफ सर पे लेकर जब बाहर निकलती हैं, हजारों पुलिस वाले उनको गोलियों का निशाना बनाते, चलो मेरे साथ पक्का किला में तुम्हें दिखाता हूं मुबश्शिर लुकमान साहब, औरतों की, बच्चों की खबरें पक्का किला में, किधर लेकर जाऊं मैं इन लोगों को, इन तमाम लोगों को? 30 दिसंबर 1986 को कादर बख्शी ने पूरे सिंध भर में, हैदराबाद में चौकों पे, इलाकों में जाकर, मसाजिद के आगे जाकर, बाजारों में जाकर अंधाधुन फायरिंग करते हैं, सारे लोग दहशतगर्द आते हैं, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं। 30 दिसंबर सानिया होता है, 350 इंसान मारा जाता है अस्पताल में, टखनों तक ब्लड था जहां जहां, जिस दिन ये वाकया पेश आए, कहां लेके जाऊं मैं सारी लाशें, किसको दिखाऊं? फिर आप जैसे लोग जब टीवी प्रोग्राम करते हो, जब दूसरे शहरों में बैठकर कमेंट्री करते हो, तो आप हमें ही जो है वो दहशतगर्द बता रहे होते हो, आप हमें ही दहशतगर्द लिख रहे होते हो, आप हमें ही जो है वो इस मुल्क का एजेंट बता रहे होते हो कि हम दुनिया के दूसरे मुल्क के एजेंट है। खुदा की कसम, किसी नस्ल में इतनी कुर्बानी हो जाए, अगर स्टेट की तरफ से इतना जुल्म हो जाए, वो लोग पता नहीं उस मुल्क को कहां डुबो देने की बात करना शुरू कर दें। आफरीन है कराची के इन शोधा की फैमिलीज के ऊपर और एमक्यूएम के ऊपर कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी आज अगर पाकिस्तान से कोई सबसे ज्यादा मुखलिस है तो वो इन्हीं के वालदैन है, और यही लोग, और यही कराची के लोग और एमक्यूएम के लोग पाकिस्तान से मुखलिस है।